ತ ಗಜನು ತದಿ ಗಿಣ ತ ಗಜನು ತರಿ ಕಿಟ ತದರಿನ ತದಿ ದಿಂದ ಆನಂದ. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. मैं हूँ ऐश्वर्या. वेलकम टू माय दिवाली सीरीज जो कि है हैशटैग दिवाली विद आईशू. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला लुक. वाला मेकअप मैंने बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने क्रिएट किया है. सारे आइटम्स 300 के अंदर है और जो कि बहुत यानी बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स यूज किया है मैंने. ये आई लुक क्रिएट किया है ना, ये क्यूटिप के हेल्प से मैंने ये आई लुक क्रिएट किया है. ये वाला वीडियो बहुत बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, तो प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें. हाँ जी, तो फाउंडेशन लगाने से पहले मैं फेस के ऊपर लगाने वाली हूँ प्राइमर. और प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे एंड इट्स लाइक द बेस्ट इन द अफोर्डेबल रेंज. मैं अच्छे से स्प्रेड करने वाली हूँ फेस के ऊपर और इसे फिर मैं 5 मिनट्स तक रहने दूंगी. तो प्राइमर लगाने के बाद मैं लगाने वाली हूँ फाउंडेशन. ये फाउंडेशन मेबिलिन का है. इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक ट्यूब फॉर्म में और एक बॉटल फॉर्म में. तो मैं यहाँ पर ट्यूब फॉर्म का यूज़ कर रही हूँ. ये 200 से 299 के रेंज में बिकता है. सो या इसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी पहले फेस के ऊपर, फिर मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करने वाली हूँ. बाय द वे, ये फाउंडेशन जो है ना, ये मेरा स्किन का एग्जैक्ट मैच है, लेकिन ना मेरा स्किन बहुत यानी बहुत ज़्यादा टैन हो गया है बिकॉज मैं साउथ गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप था. सो इसकी वजह से ना पूरा बॉडी और फेस टैन हो गया है. सो इसीलिए वो वैसा लग रहा है, बट आई डो नॉट हैव एनी डार्क फाउंडेशन. सो जो फाउंडेशन मेरा है तो उसी से मुझे काम चलाना पड़ रहा है. सो इसीलिए वो वैसा दिख रहा है. सो डोंट माइंड. एनीवेज, मेरा वीडियो बहुत आगे चले गया. बट हाँ, अभी ना मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगा रही हूँ. ये कंसीलर मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करी हूँ. इसे मैं अपने चिन के ऊपर, हॉलोस ऑफ द चीक एंड अंडर आईज एंड इवन ऑन फोरहेड लगाने वाले हूँ. आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट एरियाज और थोड़ा सा कवरेज भी मिल जाएगा. सो हाँ, ये कंसीलर बहुत ज़्यादा प्यारा है. लाइक दिस इज़ द बेस्ट इन द अफोर्डेबल रेंज. फिर उसे मैं लगाकर ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करने वाली हूँ. जितना हो सके ना उतना ब्लेंड करना है. जितना ब्लेंड करोगे ना उतना फ्लॉलेस बेस दिखेगा. सो या हाँ जी, तो अभी कंसीलर अच्छे से ब्लेंड हो गया है. अभी मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का 2-in-1 ड्यूओ स्टिक. मैं मेरी नोज, चीक्स और चिन को कॉन्टोर करने वाली हूँ. डबल चिन है ना, वो थोड़ा सा छिप जाए, मतलब ज़्यादा तो नहीं छिपेगा बट हाँ थोड़ा तो डायमेंशन देता ही है. सो या इसीलिए मैं कॉन्टोर कर रही हूँ. कॉन्टोर लगाने के बाद ना मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ. नोज का एरिया मैं फिंगर से ब्लेंड करने वाली हूँ. फिर पूरा कॉन्टोर को ना मैं ब्यूटी ब्लेंडर से डाप डाप करके ब्लेंड करने वाली हूँ. सो कॉन्टोरिंग के बाद मैं मेरे कंसीलर को सेट करने वाली हूँ. ये पहले भी कर सकते हैं बट मैंने कॉन्टोरिंग के बाद इसीलिए किया है ताकि जो मैंने कॉन्टोर किया है ना उसके हार्श लाइंस ना दिखे. आई मीन लाइक व्हेन यू अप्लाई अ कॉम्पैक्ट तो वो पूरा इवन बना देता है स्किन को. सो इसीलिए मैं कॉन्टोरिंग के बाद कर रही हूँ. उसके बाद जो मैंने इनसाइड का जो कॉन्टोर स्टिक यूज़ किया है ना उसके दूसरे साइड से मैं हाईलाइट करने वाली हूँ. उसमें एक हाईलाइटर शेड भी है जो कि बहुत यानी बहुत प्यारा है. पहले मैं उसे सारे मेरे हाइएस्ट पॉइंट्स ऑफ फेस के ऊपर लगाने वाली हूँ. लाइक नोज हो गया, चीक्स हो गया, चिन हो गया, फोरहेड हो गया. उसको लगाने के बाद मैं ब्लेंड करने वाली हूँ अच्छे से. इतना ज़्यादा प्यारा ग्लो दिया है ना ये फेस के ऊपर. मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ. ये स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे है. सेटिंग स्प्रे सेट होने के बाद मैं फिर से हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ. ये हाइलाइटर के लिए ना मैं यहाँ पर NYB का आई शेडो यूज़ कर रही हूँ. ये आई शेडो ना हाइलाइटर के जैसे बहुत अमेजिंग वर्क करता है. एज यू कैन सी, बहुत प्यारा ग्लो दिया इसने मुझे. आई रियली लव द वेट लुक. हाँ जी, तो बेस मेकअप हो चुका है. अभी आई मेकअप की ओर बढ़ते हैं. तो आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर नायका का काजल. इस काजल से ना मैं पहले थिक लाइन ड्रॉ करने वाली हूँ मेरे आईज़ के ऊपर, फिर क्यूटिप के हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ. काजल ब्लेंड करने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है. सो यू हैव टू बी पेशेंस विद दिस.
दोनों आईज का मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है क्यूटिप के हेल्प से। अभी मैं ये आई शेडो यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का। इस पैलेट से ना ये जो लाइट ऑरेंज शेड है वो उठाने वाली हूँ, इसे मैं मेरी क्रीज में लगाने वाली हूँ एज माई ट्रांजिशन शेड। फिर ये लाइट ब्राउन आई शेडो लेकर मैं पूरे मेरे आईज के ऊपर लगाकर इसे ब्लेंड करने वाली हूँ अच्छे से। सो आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं मेरे आईज के ऊपर लूज पिगमेंट लगा रही हूँ। ये लूज पिगमेंट स्विस ब्यूटी का है, बट दिवाली के दिन स्पार्कली आईज एंड ग्लोई स्किन विल लुक लाइक रियली रियली ऑसम, इसीलिए ना मैं लूज पिगमेंट लगा रही हूँ। अगर आपको नहीं करना है यूज, यू कैन कम्प्लीटली स्किप इट। जी तो मैं मेरे लोअर लैश लाइन के ऊपर भी काजल लगाने वाली हूँ यूजिंग द सेम नायका का काजल। काजल लगाने के बाद मैं क्यू टिप के हेल्प से मैं इसे स्मच कर लेने वाली हूँ। अभी मैं मेरे आईज के इनर कॉर्नर में हाइलाइटर शेड लगा रही हूँ ताकि और स्पार्कली लगे। एंड देन मैं मस्कारा लगाने वाली हूँ। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मस्कारा। सो मस्कारा लगाने के बाद मूविंग ऑन टू दी फाइनल स्टेप जो कि है लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करी हूँ मेबेलिन का लिपस्टिक। आई लिव द लिंक ऑफ द शेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो आप वहाँ से चेक कर लीजिए। सो ये है मेरा फिनिश्ड लुक। मैं ऑफ कैमरा जाके बिंदी लगाकर आई और आई लैशेज लगाया मैंने। आपके पास आई लैशेज नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। मुझे आई लैशेज लगाने की मन की तो मैंने आई लैशेज लगा लिया एंड दुपट्टा भी पहन लिया मैंने। सो या आई रियली होप आपको अच्छी लगी होगी ये वाली वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।